हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, यानी कि अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप वीडियोस बनाते हैं और आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं थंबनेल के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, थंबनेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी यूट्यूब वीडियो का, और जितनी भी वीडियोस वायरल होती हैं उन सभी के अंदर थंबनेल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में एक सवाल आता है कि आखिर एक अच्छा थंबनेल किस एप्लीकेशन से बनाएं, यानी कि अगर आप मोबाइल पर थंबनेल बनाते हैं अपने वीडियोस के लिए, तो कौन सा एप्लीकेशन उसके लिए यूज़ करें, क्या कह सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन उसके लिए यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल है, इसका जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई है, और इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक एप्लीकेशन का यूज़ करके आप अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो एप्लीकेशन है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपने वीडियोस के थंबनेल कहाँ पर बनाता हूँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यूज़ करता हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन का। जी हाँ फ्रेंड्स, पिक्सल लैब एप्लीकेशन एक कंप्लीट कह सकते हैं पैकेज है एक अच्छा सा थंबनेल बनाने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए आपको चाहिए होते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरा एक साल का जर्नी लगभग कंप्लीट होने वाला है। मैंने 2020 में अप्रैल में अपना चैनल स्टार्ट किया था, और मेरा 2021 हो गया, अप्रैल आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक साल के अंदर जितने भी थंबनेल्स अपने वीडियोस के लिए बनाए हैं, वो सारे मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ करके बनाए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहूँगा, मेरे चैनल मोनेटाइज है और मेरा पेमेंट भी आने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि मैंने अपना एक साल के अंदर चैनल को ग्रो भी किया और उसको मोनेटाइज भी कराया। इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहा थंबनेल्स का, क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस थे मेरे जो थंबनेल की वजह से बहुत सारे चले, और कंटेंट भी उनके अंदर अच्छा था, लेकिन थंबनेल की वजह से उनका जो इंप्रेशन था, यानी कि इंप्रेशंस आते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में ये जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिनसे आप एक अच्छा सा कह सकते हैं थंबनेल अपने वीडियोज़ के लिए बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो आपको कलर कॉम्बिनेशन की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है, आप कोई भी एप्लीकेशन ले लें, कितने से अच्छा एप्लीकेशन आप ले लें, लेकिन अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन की जानकारी नहीं है, तो आप एक अच्छा थंबनेल नहीं बना सकते। कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए मुझे कुछ थंबनेल पर लिखना है, YouTube थंबनेल मान के चलिए, YouTube थंबनेल मुझे लिखना है। अब इस टेक्स्ट को मैं करना चाहता हूँ वाइट कलर में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको मैं वाइट कलर में करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड में मुझे क्या कलर रखना चाहिए, मान के चलिए मैंने येल्लो रख दिया, तो येल्लो में वाइट कलर आपको सामने से अगर आप देखेंगे इसको करके, तो आपको खुद से अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप उसके में रेड रखते हैं बैकग्राउंड में, आप ब्लू रखते हैं, आप ब्लैक रखते हैं, तो वो जो आपका वाइट कलर का जो आपका टेक्स्ट है वो उभर के आएगा, वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो कलर कॉम्बिनेशन की जो जानकारी है वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सा थंबनेल बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी पिक्सल लैब एप्लीकेशन का यूज़ करें, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको किसी भी तरीके का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पेमेंट नहीं देना होता, और आप फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप बहुत ही कम MB में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़्यादा स्टोरेज ये आपके मोबाइल में नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।